वेलकम स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास सिक्स सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट वन के एक्टिविटी एट के विषय में आपको बताएंगे। एक्टिविटी एट जिसका नेम है इट वाज ए कोल्ड डे। इट वाज ए कोल्ड डे, इट मीन्स ये, वाज मीन्स था, ए मीन्स ए, कोल्ड मीन्स ठंडा, डे मीन्स दिन, ये एक ठंडा दिन था। स्टूडेंट, यह एक स्टोरी है जो कि एक बच्चा अपने स्कूल के विषय में उस दिन की बात को बता रहा है कि उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, ठंडा दिन था, क्लास में केवल 5 स्टूडेंट थे और क्लास की हालत कैसी हो गई थी, शिक्षक की हालत कैसी हो गई थी, इसके विषय में बताया गया है। अब आते हैं स्टोरी पर। लास्ट ईयर दियर वॉज वन रेली रेली बैड डे। लास्ट ईयर यानी गया साल, पिछले साल। दियर आर दियर वॉज वन रेली रेली बैड डे, सच में वास्तव में एक बैड दिन यानी खराब दिन था। बैड मीन्स खराब, डे मीन्स दिन। इट वॉज मंडे, ये सोमवार का दिन था। यूजली दियर आर अबाउट 25 स्टूडेंट इन माई क्लास, बट दैट डे दियर वीयर ओनली 5 स्टूडेंट। यूजली यानी आमतौर या सामान्यतः हमारे क्लास में 25 स्टूडेंट आते थे, बट परंतु उस दिन केवल ओनली केवल 5 स्टूडेंट आए थे। इट वॉज रियली कोल्ड, उस दिन वास्तव में ठंडी थी। इट वॉज रेनिंग अलॉट, उस दिन रेनिंग अलॉट, बरसात तेज हो रही थी। अलॉट मीन्स बहुत ज़्यादा। इट वॉज डार्क एंड ग्रे आउटसाइड, और उस दिन क्या था, अंधेरा बाहर की साइड बहुत था। दियर वॉज नो सनशाइन, और सूर्य का प्रकाश बिल्कुल नहीं था। सनशाइन मीन्स सूर्य का प्रकाश। आई थिंक द स्टूडेंट बियर नॉट एट स्कूल बिकॉज दे बियर सिक। मैं सोचता हूँ कि उस दिन विद्यार्थी स्कूल नहीं आए इसलिए क्योंकि वह बीमार थे। सिक मीन्स बीमार। दे बियर एट होम, वह अपने घर पर थे। मे बी दे बियर इन बेड, मुझे लगता है वो सब बिस्तर पे हैं। मिस्टर जोशी इज आवर क्लास टीचर, मिस्टर जोशी हमारे क्लास टीचर हैं। ही इज ऑलवेज एट स्कूल, ही इज ऑलवेज एट स्कूल, वो हमेशा स्कूल पर रहते हैं। ऑलवेज मीन्स हमेशा। इट ही इज नेवर एट होम ऑन मंडे, वो कभी भी अपने घर पे सोमवार को नहीं रहते हैं। लास्ट मंडे वॉज नो डिफरेंट, लास्ट मंडे आए बीता सोमवार भी इससे अलग नहीं था। डिफरेंट मीन्स अलग। ही वॉज नॉट एट होम, वो अपने घर पे नहीं रहते। ही वॉज इन द क्लासरूम एंड ही इट वॉज कोल्ड, उस दिन वो क्लासरूम में थे और ठंडे हो गए थे। ही वॉज नॉट इन वार्म क्लोथ्स, वो गर्म कपड़े नहीं पहने थे। वार्म क्लोथ्स यानी गर्म कपड़े, वार्म मीन्स गर्म, क्लोथ मीन्स कपड़े। इन फैक्ट ऑल द स्टूडेंट फेल्ट कोल्ड, इन फैक्ट मीन्स असल में। ऑल द स्टूडेंट फेल्ट कोल्ड, सभी विद्यार्थियों को ठंडी महसूस हो रही थी। फेल्ट मीन्स महसूस होना। इट वॉज फ्रीजिंग, सब लोग ठंडे हो गए थे। दी स्कूल वॉज लाइक ए रेफ्रिजरेटर, स्कूल फ्रिज की तरह हो गया था। लाइक मीन्स दिख रहा था। आवर रूम वॉज लाइक ए फ्रीजर, और हमारा क्लास भी फ्रीजर की तरह ठंडा हो गया था। फ्रीजर यानी फ्रिज के अंदर जिसमें कोल्ड बर्फ जमती है उसको फ्रीजर कहते हैं, सामान को रखते हैं। एंड मिस्टर जोशी वॉज लाइक ए आइस, और मिस्टर जोशी बर्फ की तरह ठंडे हो गए थे। आइस मीन्स बर्फ। द स्मॉल क्लास वॉज कोल्ड, और छोटा क्लास एकदम से ठंडा हो गया था। कोल्ड कोल्ड, ठंडी ठंडी। इट वॉज रेनी हैवली, और उस दिन बारिश हैवी यानी ज़्यादा तेज हो रही थी। आई लेफ्ट द स्कूल अर्ली, आई लेफ्ट, आई मीन्स मैं, लेफ्ट मीन्स छोड़ चुका था। द स्कूल अर्ली, सुबह में मैं स्कूल छोड़ चुका था। द रेन स्टॉप्ड एट नाइट, द रेन स्टॉप्ड एट नाइट, और बारिश उसी रात को
बंद हो गई, स्टॉप मीन्स बंद होना। नेक्स्ट डे द सन वॉज शाइनिंग, दूसरे दिन सूर्य का प्रकाश हो रहा था। सो एवरीथिंग वॉज ओके, एवरीथिंग यानी सब कुछ ओके ठीक था। दियर बियर 25 स्टूडेंट नॉट ओनली 5, उस दिन 25 स्टूडेंट थे केवल 5 नहीं। बट वेयर वॉज मिस्टर जोशी, परंतु या लेकिन मिस्टर जोशी कहाँ थे, वेयर मीन्स कहाँ थे। ही वॉज नॉट दियर, वो वहाँ नहीं थे। ही वॉज एट होम सिक इन द बेड, वो अपने घर पर थे क्योंकि वो बीमार थे और अपने बिस्तर पर थे। आई होप स्टूडेंट स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। इट वॉज ए कोल्ड डे का, थैंक यू।